चराचर के साथ ये कंसेप्ट का भावना में रूपांतरण है और उसका सीधा व्यवहार में रूपांतरण होगा। जहां प्रेम होता है वहां त्याग होता है और सेवा होती है। मैं किसी को अगर प्रेम करती हूँ तो मुझे उससे लेने में नहीं आनंद आता, देने में आता है। मुझे मेरी चीज भी छोड़ने में ही छोड़ना ही अच्छा लगता है। घर में बहुत सामान्य व्यवहार में भारत के लोग तो इसका अनुभव करते हैं और जितने कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा अनुभव करते हैं। बिकॉज दिस मॉडर्न एजुकेशन हैज डिप्राइव्ड अस फॉर सो मेनी वैल्यूएबल इंडियन थिंग्स, इटर्नल थिंग्स, तो हम तो वंचित हैं। परंतु जो शिक्षा नहीं प्राप्त की उनमें अभी भी ये जीवित है। घर में अगर माँ अकेली है और पड़ोसी दो लड़कों ले गए, मेरा बेटा 12वीं में बहुत अच्छे नंबर से आया तो ये दो लड़की लाई, तो कभी भी ऐसा सोचती है क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा है घर में और कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बच्चे के पिता भी नहीं है, नहीं तो वो तो सब खा जाते हैं और मेरे हिस्से में आते ही नहीं। मैं ही तो खा जाऊंगी और उनको बताऊंगी भी नहीं तो मुझे मिलेगा ही नहीं, ऐसा कभी भी सोचती है क्या? अभी भी भारत की माता तो ऐसे नहीं, इतनी गई इतनी नहीं हुई। हर एक माता देती है, खिलाने वाली है। और इसलिए भारत की स्त्री की कल्पना की गई भोज्येषु माता, जब माता की तरह भोजन करवाओ और भोजन से प्रेम से बनाए हुए भोजन से खाने वाले का चरित्र निर्माण करो, चरित्र की रक्षा भी करो। भोजन करवाना क्या है? दूसरों के लिए कष्ट करना। जो अपने हैं माने प्रेम से जुड़े तो वो अपने हैं, अपनों के लिए त्याग करना कष्ट करना। और जो माता या जो भी व्यक्ति मातृभाव से या प्रेम भाव से अपनी चीज किसी के लिए छोड़ता है, तब वो लड्डू खाने से जितना आनंद मिलता उससे ज्यादा दूसरों ने खाए इसलिए आनंद हुआ। इसी को ईशावास्य उपनिषद ने कहा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्याग करो और भोग से भी ज्यादा आनंद प्राप्त करो। तो प्रेम माने आत्मीयता, एक आत्मतत्व, प्रेम, त्याग, सेवा और परिणाम क्या? आनंद आता है। मजबूरी में नहीं छोड़ती, कभी भी मजबूरी में कष्ट नहीं करती, आनंद से करती है। भाई के लिए स्वेटर बुनकर वो पैसे की अपेक्षा नहीं करती, या वो उसके लिए मजदूरी नहीं है, वो उसके लिए ऐसे ही बनाती है तब भी मन अच्छा लगेगा। अरे शाम को आ जाएंगे सरप्राइज, उनको जो अच्छा लगता है वो बनाकर खिलाएंगे। ये क्या है? कष्ट तो होता है भोजन बनाने में या स्वेटर बुनने में या और कोई चीज भी चीज करने में, कष्ट तो होता है। परंतु कष्ट करते समय भी आनंद का अनुभव होता है। स्वयं के लिए कुछ रखा नहीं, समोसे इतने अच्छे बने कि सब खा गए, बच्चे खा गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, तो मुझे आनंद ही आता है कि मैंने इतना अच्छा बनाया कि इनको इतना अच्छा लगा और सब खा गए, कुछ बात नहीं, मेरे लिए नहीं बचा तो मैं तो सुबह की रोटी खा लूंगी। भारत की महिलाएं परिवार के लिए भोजन बनाती है और खिला देती है, स्वयं के लिए नहीं बचा तो जो बच्चा है वो खाती है या सुबह तक खाती है और उसको तृप्ति का अनुभव होता है। पश्चिम से आने वाले लोगों को ये समझता ही नहीं कि ऐसा भी होता है, इसलिए वो कहते हैं भारत में महिलाओं का शोषण होता है, बनाती है और सबके बाद में खाने को मिलता है उनको और कुछ बचाते नहीं, शोषण होता है, इसलिए भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण करो। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन से भारत की महिलाएं भी बहक जाती है और कहते हैं हाँ हमें भी रसोई चौकी चूल्हे से मुक्ति मिलती है। और फिर पुरुष भी उनके स्त्री दाक्षिण्य से कहने लगते हैं हाँ हाँ ठीक है, चौके चूल्हे से तो संस्कृति की रक्षा हुई है और खाने वाले को चरित्र का रक्षण भी हुआ।
लेकिन आया इसलिए कि विगत 200 वर्षों में सब महिला को कहने के देशों में तरह की समझना पड़े, इसका रिएक्शन है, ये भी याद रखो। नहीं तो बहनों को रसोई बनाने की बात आई तो सबको बहुत आनंद हुआ, लेकिन रसोई से बाहर निकालने का काम तो हमने किया है, ये कहकर कि तुमको कुछ समझता नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो और तुम तो आता ही कूद लो केवल, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छे से अच्छे काम, बालक को संस्कारित करना, परिवार के सभी सदस्यों का चरित्र निर्माण करना, चरित्र की रक्षा करना, और इसलिए कि इसके कारण भोजन बनाना, स्वयं का सर्वस्व त्याग करना, स्वयं को पीछे रखना, इस त्याग को नहीं समझने वाली आधुनिक शिक्षा ने पुरुषों के मनों को भी भरमा दिया है और उनको लगता है खाना बनाने वालों को तो अंग्रेजी नहीं आती, गणित नहीं आती और चार पैसे कमा कर नहीं ले आ सकते, तो फिर इनको कुछ समझ में नहीं आता। हमारा परिवार जीवन हमने ऐसे नासमझी में गड़बड़ कर दिया है और ये सारा होलिस्टिक लिविंग की शिक्षा निर्णय इसलिए हुआ है क्योंकि अगर होलिस्टिक एटीट्यूड है तो कौन सा काम किस लिए ज्यादा मूल्यवान और श्रेष्ठ है इसकी सही समझ हमको होती, लेकिन आज हमको कौन सा काम अच्छा है, पैसा जिसमें ज्यादा मिलता है वो अच्छा काम है और श्रेष्ठ काम ऐसा लगने लगा, तो हम मार्ग से भटक गए। गुणों को, ज्ञान को, त्याग को, तपस्या को मूल्यवान नहीं माना करना, इसको होलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं और उस प्रकार से जीना इसको होलिस्टिक लिविंग कहते हैं। अब हम जरा कॉन्सेप्चुअल से लेकर व्यवस्था के स्तर पर आते हैं और व्यवस्था किसको कहते हैं। व्यवस्था पूरे समाज की या घर की देखो तो अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था में क्या कि मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, दरी चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, सब बहुत सारी चीजें चाहिए। ये चीजें चाहिए तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए और एक व्यक्ति की पूर्ति नहीं होनी चाहिए, जितने भी सृष्टि में मनुष्य पशु पक्षी प्राणी है सबको चाहिए। अब प्रकृति का नियम है कि प्रकृति जिसको जन्म देती है उन सभी के तत्व गया है, इसलिए कहावतें ऐसी होती है, भगवान भूखा जगाता है परंतु सुलाता नहीं है, इसका मतलब खाने की व्यवस्था है। भगवान ने दांत दिए हैं तो चबेना देगा ही, प्रकृति ने व्यवस्था की है सभी को आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उसके लिए लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा हमारी अर्थव्यवस्था करने वालों ने कहा। अब इस तत्व की इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहां से उद्गम होता है, यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र पढ़े हैं, तो कहाँ पढ़े हैं, वो तो यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं। इस दृष्टि से अगर हम अर्थव्यवस्था का विचार करें तो हमारी माने आज एक विशेष शिक्षा का भी है, तो हम जब व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था से संबंधित शास्त्र का विचार भी अपने आप होता है, क्योंकि जैसा शास्त्र होता है वैसी ही व्यवस्थाएं बनती है। मैं दो तीन केवल उदाहरण दूंगी, मेरा अभी विषय सभी विषयों की व्यक्तिशः चर्चा करने का नहीं है, परंतु कुल मिलाकर हमारी शिक्षा में ये होलिस्टिक लिविंग के विरुद्ध जाने वाली बातें कैसे घुस गई है इसके ऊपर अध्यापकों ने विचार करना, क्योंकि वो चिंतन को शास्त्र में व्यवस्था में परिणत करने वाले होते हैं, इसके लिए वो उपाय सुझाने वाले होते हैं। इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स, ऐसी अगर अर्थशास्त्र की बेसलाइन रही तो परिणाम भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा। भ्रष्टाचार इज जस्टिफाइड, क्योंकि हम कहते हैं कि
अर्थशास्त्र में नीतिमत्ता का कोई सरोकार नहीं है। इकोनॉमिक्स तो छोटे से छोटा आदमी भी कहने लगते हैं, लगता है दो पैसे कमाने हैं तो न्याय नीति से चलकर नहीं कमा सकते, रिश्वत दिए बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो उसको हम अर्थशास्त्र में कोई एक अच्छा शब्द दे देते हैं और उसको व्यवस्था में ला देते हैं, तो भ्रष्टाचार जस्टिफाइड है। अर्थशास्त्र को अगर नीतिमत्ता नहीं है तो धर्म का एक अर्थ कर्तव्य, धर्म का एक अर्थ स्वभाव, धर्म का एक अर्थ गुणधर्म, धर्म का एक अर्थ यूनिवर्सल लॉ, ये सब है। धर्म का केवल एक दशांश अर्थ रिलीजन है कि हम स्वामीनारायण धर्म में मानते हैं, हम जैन धर्म में मानते हैं, हम वैष्णव धर्म में मानते हैं, तो एक दशांश है, उसके ऊपर आधारित ये सारी बातें नहीं होती। व्यवस्थाएं तो सारी कर्तव्य स्वभाव नियम संविधान इसके ऊपर आधारित होती है। तो जब धर्म के अविरोधी अर्थ व्यवहार होना चाहिए तो अर्थशास्त्र की बेस लाइन तो ये होनी चाहिए धर्माविरुद्ध, धर्म के अविरुद्ध, और धर्म माने सभी की धारणा करने वाला, सस्टेनेबिलिटी को रखने वाला, वो उस धर्म की परिभाषा ही वही है। धारणा धर्म में क्या हो, धर्मो धारयते प्रजा, सारी प्रजाओं को सारी सृष्टि को बनाए रखने वाला, नष्ट नहीं होने देने वाला अगर कोई तत्व है तो धर्म है। हम क्यों धर्म का नाम आते ही हम धर्म को ऐसे चंगुल में क्यों फंसा देते हैं, जबकि वो तो धारणा करने वाला है, हमें कुछ स्पष्टता ही तो करनी पड़ेगी। अब अर्थशास्त्र को धर्म के अनुकूल होना चाहिए, दो तीन बातें इसमें बेसलाइन करके आनी चाहिए। कौन सी? धर्म अर्थशास्त्र में अर्थ है, हम अर्थ माने पैसा कहते हैं, हमको समृद्धि चाहिए, परंतु उसमें एक विवेक करने की आवश्यकता है। हाँ जल्दी चले जाइए कि हम सभा के नियमों का पालन करें, मेरे से हो सकेगा इतना मैं स्पष्ट बोलूंगी और विनयशीलता से भी बोलूंगी, आशीष तो नहीं होगी, परंतु आप भी नियमों का पालन करिए, इतना नहीं करें। तो मैं जो कह रही थी कि समृद्धि चाहिए, अपने को जो चाहिए वो सब चाहिए। अब जो चाहिए उसके दो भाग, एक है इच्छा और दूसरी है आवश्यकता। मेरी नीड्स, जो मेरी आवश्यकता है वो तो सभी की पूरी होनी ही चाहिए, परंतु इच्छाओं के पीछे गए तो इच्छा तो कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गए तो बलबला अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं कर सकता, समृद्धि नहीं आती। इसलिए अर्थशास्त्र का दूसरा कंपोनेंट है संतोष सिखाना। भारत का अर्थशास्त्र हमेशा इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस रहा है, एबंडेंस माने चाहिए उससे ज्यादा, तभी लोग चिंतन कर सकते हैं। अगर चाहिए उससे ज्यादा है तो चाहिए माने आवश्यकता के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं, क्योंकि न जातु कामः कामानां उपभोगेन शमयति, इच्छाएं तो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। तो अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, इच्छाओं पर नहीं, और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाना ये नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसका अर्थशास्त्र के साथ संबंध है। इसलिए हमारे शास्त्रों के विषय में हमको विचार करना पड़ेगा। मैं उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र बताया, ज्यादा विचार इसका मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगी। दूसरा समाज शास्त्र, मैं उदाहरण के लिए ही, ऐसा सभी शास्त्रों के विषय में आप समझ लेंगे। हमारा समाज रचना की मूल इकाई है परिवार, व्यक्ति नहीं। आज हम जो भी चिंतन करते हैं, जो भी व्यवस्था बनाते हैं, वो इंडिविजुअल सेंट्रिक बनाते हैं, और भाषा भी ऐसी होती है, मेरी शिक्षा, मेरा करियर, मेरा लाभ,
मेरे लिए सब कुछ ऐसा इंडिविजुअल सेंट्रिक होने से नहीं होता, वो होना चाहिए विश्व सेंट्रिक, माने मैं सबके लिए हूँ, सब मेरे लिए नहीं है, ऐसा इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है। अगर छोटे से छोटी